हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सो गाइस, थंबनेल देख के आपको पता चल गया है जो आज का वीडियो किस टॉपिक का है, एसी पंप लेके। तो गाइस आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो बाइक में या स्कूटी में दिया जाता है क्या, एसी पंप। एसी पंप का काम क्या है, एसी पंप बाइक में क्यों दिया गया है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसे कि एसी पंप अगर हम लोगों का सही रहे तो क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे कि एसी पंप अगर हम लोगों का ख़राब हो जाता है तो क्या दिक्कत होता है। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, चलिए लेट्स गो। तो गाइस ये है हम लोगों का एसी पंप और बाइक में भी लगा हुआ है, तो जिसमें कि हम लोगों का एसी पंप में तीन पार्ट होता है, यहाँ एक पार्ट, यहाँ एक पार्ट, यहाँ एक पार्ट। तीनों पार्ट का काम क्या है पहले वो आप लोगों को बताता हूँ, उसके बाद आप लोग ऑटोमेटिक समझ आएगा, जिसमें कि आप लोग पता चले जो एसी पंप का काम क्या है। तो गाइस बाइक में एक लगा रहता है, जैसे कि हम लोगों का एग्जॉस्ट से आता है हम लोगों का एक पाइप, जो इंजन से वाल्व से हम लोगों का क्या होता है, जो कनेक्शन है। कनेक्शन क्यों है, जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हम लोगों का जैसे कि ऑक्सीजन, गर्म ऑक्सीजन निकलेगा, लेकिन यहाँ से इसका बातें ख़त्म हो जाता है। जब यहाँ हम लोग अटैच कर देंगे तो जो हम लोगों का इंजन से जो बतास आता है उसको और इस तरफ नहीं आने देगा, क्योंकि इसमें हम लोगों का लगा हुआ रहता है रेड वाल्व, एक वाल्व लगा हुआ रहता है, यहाँ से इसका बतास का काम ख़त्म। क्यों कि इसमें हम लोगों का एक लिंक बनाया है इंजन में हेड के साथ, उसमें जैसे कि ठंडी हवा जाने के लिए है। अब किस तरह से जाता है मैं आपको बताता हूँ गाइस, ये वाला पाइप, ठीक है। तो ये हम लोगों का जैसे कि आउटपुट और ये इनपुट हो गया। अब सवाल है ये काम किस तरह से करता है, तो गाइस यहाँ हम लोगों का एक पाइप आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये पाइप लगेगा इसी जगह पर, ठीक है, इसी जगह पर लगेगा। अब बाइक जब स्टार्ट होता है तो यहाँ से हम लोगों का यार जाता है, जाने के बाद इसमें हम लोग का एक रबार वाल्व होता है उसको खींचता है और ऑटोमेटिक वाल्व हम लोगों का खुलता है। खुलने के बाद यहाँ से हम लोगों का जो ठंडी मिश्रण है, ठंडी हवा है, यहाँ से लेकर इंजन को देता है और इंजन का तापमात्रा को कमाता है, इंजन ओवरहीट को बंद कर देता है। जब ओवरहीट ज़्यादा हो जाता है तो ठंडी हवा जाता है, जाने के बाद इंजन हम लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। तो गाइस सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस बाइक में एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, जो बाइक जब हम स्टार्ट करते हैं, पिकअप देते हैं, तो जैसे कि भटक का फूटता है ना, उसी तरह फटर फटर करके साइलेंसर से भटर भटर करता है जब पिकअप छोड़ते हैं। तो आप लोगों को प्रूफ करके हम दिखाते हैं गाइस, जो एक्चुअली इसमें बीमारी हुआ है, भटक का फूट रहा है साइलेंसर की साइड देके। तो चलो हम आपको बताते हैं, इग्निशन ऑन किया, तो गाइस मैंने स्टार्ट किया है, अब साइलेंसर में आप लोग गौर कीजिए, गाइस आप लोगों ने देखा बाइक में साइलेंसर में हम लोगों का फटर फटर आवाज़ आ रहा है, फटर फटर। मैं ठीक भी करके दिखाऊंगा जिसमें कि साउंड क्वालिटी बेहतर आए और साउंड में कोई, जैसे साइलेंसर में कोई हम लोगों का जिसमें कि फटर फटर ना करे। तो चलिए हम आपको तरीका बताते हैं, तो गाइस मान लीजिए मैं ये एसी पंप खोल रहा हूँ, इसमें क्या क्या हिस्सा है वो भी आप लोगों को बताऊँगा। तो गाइस यहाँ देखिए हम लोगों का सिस्टम क्या है, एग्जस्ट से जो हम लोगों का हवा आती है, गर्म बतास आता है, आने के बाद यहाँ हम लोगों का रेड वाल्व होता है, वो वाल्व में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, बतास को इंजन से जो हवा आता है, यार आता है, उसको कन्वर्ट करता है, वो इधर नहीं आता है, जैसे कि कहीं भी नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, इसका काम ही है हम लोगों का जो ठंडी ठंडी हवा जैसे कि इंजन में देना। कभी कभी कुछ बाइक में आप लोगों को देखने को मिलेगा इस जगह पर इंजन ऑयल चले आते हैं, ठीक है, इंजन ऑयल चले आते हैं, कैसे कि बाइकिंग का ओवर हीटिंग प्रॉब्लम होता है, और जैसे कि कोई कोई बाइक में माइलेज भी ख़राब हो जाता है, इंजन ज़्यादा से ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है, साइलेंसर जब हम लोग पिकअप देते हैं तो साइलेंसर में फटर फटर करता है, तो उस वक्त क्या होता है हम लोग का रेड वाल्व काम नहीं करता है। अब इसके अंदर क्या क्या सिस्टम दिया गया मैं आपको बताता हूँ, ये इनपुट लाइन है और ये हम लोगों का जो आउटपुट लाइन है, ये हम लोगों का एयर फिल्टर में लगा हुआ रहता है डायरेक्ट, और स्कूड में अलग से एक फिल्टर दिया जाता है गाइस, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ किस
किस कारण से ये पाइप दिया गया है। तो गाइस ये इंटेक है, इंटेक वाल्व जो है उससे हम लोग का जो यार मिश्रण है जो इसका कनेक्शन है, अगर इसे हम लोग अगर खोला रखे तो इंजन का आरपीएम बढ़ जाएगा। आप लोगों को हम दिखाते हैं किस तरह से, ठीक है। तो चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ देखिए हम लोग का प्लास्टिक देखो हवा खींच रहा है, एकदम हवा खींच रहा है गाइस, ठीक है। यहाँ से हम लोग का यार जाएगा। और एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, इसको पाइप हाथ दीजिए, इसको हाथ दीजिए, देखिए हवा को खींच रहा है, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कि जब लोग जैसे कि एग्जस्ट से हम लोगों का हवा आता है, लेकिन नहीं गाइस, यहाँ से हम लोगों का हवा जा रहा है जिसमें कि ठंडी हवा इंजन में दे रही है, क्योंकि ठंडी इंजन में अगर हवा जाए तो इंजन हम लोगों का परफॉर्मेंस सही आएगा। इसके अंदर हम लोग खोलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है इसके अंदर हम लोगों का जो रेड वाल्व है, रेड वाल्व क्या होता है वो ब्लॉक हो जाता है, कभी कभी ठीक से काम नहीं करता है, उसका कारण इंजन में हम लोगों का प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे कि इस बाइक में प्रॉब्लम हुआ है साइलेंसर में फटर फटर करना, जैसे कि पटाखा छोड़ना, ठीक है। तो चलिए गाइस हम आपको खोल के दिखाता हूँ जो इसका अंदर एक्चुअली हुआ क्या है, पटाखा क्यों छोड़ रहा है और ये हम लोग एसी पंप काम नहीं क्यों नहीं कर रहा है। तो चलिए हम आपको तरीका बताते हैं, इसको खोलेंगे, खोलने के बाद ही आप लोगों को बताएंगे ये एक्चुअली हुआ क्या है। तो चलिए नाट को फटाफट खोलते हैं। अब गाइस यहाँ देखिए हम लोगों का जो मिश्रण है कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ हम लोगों का काफ़ी सारे हो चुकी है गाइस, ठीक है। तो गाइस यही हम लोगों का रेड बल्ब की पत्ती, अब मेन पॉइंट हम लोगों का यहाँ है गाइस, मेन पॉइंट इसी जगह पर है, क्योंकि यार इंटेक्स जो वाल्व है उससे हम लोगों का हवा जाता है इसी साइड से गाड़ी। देखो यहाँ हम लोगों का बंद हो चुकी है, रुको थोड़ा, अगर कट जाएगा तो ओरिंग ख़राब हो जाएगा गाइस। समझदारी से आप लोगों को खोलना है जिसमें कि, तो गाइस देखिए हम लोगों का ये रेड वाल्व इसी तरह से हम लोगों का सिस्टम काम करेगा, जब हवा जाएगा ना तो इसी तरह से जाएगा। यहाँ हम लोगों का दिया गया है रेड वाल्व सिस्टम, अब इसे हम लोग किस तरह से क्लियर करें आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा, जिसमें कि हम लोगों का एसी पंप ठीक हो जाए और बाइक में प्रॉब्लम भी ना हो और इंजन भी ओवर हीट ना करे। तो गाइस यहाँ देखिए हम लोगों का रबार कटा हुआ है, इसका कारण हम लोगों का यार ठीक से मिश्रण नहीं दे पा रहा है और इस जगह प्रॉब्लम है। तो गाइस आपने जो रबार दिख रहा है कोना पर मार्किंग हो रहा है, वो रबार अगर कट जाएगा तो क्या दिक्कत होगा मैं आपको बताता हूँ। जो यार इंटेक से जो हवा खींचेगा इसके अंदर, इंजन के अंदर खींचने से हम लोगों का जो इसके अंदर जो रबार है वो रबार थोड़ा हम लोगों का आएगा इस सर, और इसका वाल्व का लिंक हम लोगों का खुल जाएगा इसके अंदर। खोलने के बाद क्या होगा गाइस, यहाँ से हम लोगों का ठंडा हवा इंजन में प्रवेश करेगा, करने के बाद इस जगह से जैसे कि एग्जॉस्ट से जाएगा इंजन में हम लोगों का ठंडी मिश्रण देगा। तो ये रबार अगर कट जाएगा तो वाल्व का अंदर हम लोगों का खींच नहीं पाएगा और वाल्व नहीं खोलेगा और ठंडा हवा नहीं जाएगा। तो क्या करें, चलो इसको रिपेयर करेंगे, रिपेयर करने के बाद ही हम लोग एसी पंप काम करेगा। तो चलिए रिपेयर करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो सो गाइस इसको हम रिपेयर बाद में करेंगे, इसके अंदर जितना भी कचरा वगैरह है सब कुछ क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद आप लोगों को ये रबार रिपेयर ही करके आप लोगों को दिखाता हूँ जो किस तरह से हम लोग रिपेयर करें। तो चलो वॉश करता हूँ।
गाइस मैंने क्लियर कर लिया है, वॉश कर लिया है, बट एक प्रॉब्लम है एसी पंप के अंदर। यहाँ देखिए एसी पंप में हम लोगों का जो एक ओरिंग है, ये हम लोगों का छेद है, जो आप लोगों को पहले ही दिखाया था, इस जगह पर छेद है। देखो ये छेद का कारण क्या होगा, हम लोगों का जो एयर मिशन का वातावरण है वो एकदम ख़राब आएगा, और इंजन में जैसे कि आरपीएम रेसिंग हो जाएगा और कभी कभी स्टार्ट भी गिर जाएगा। तो ये चीज़ हम लोगों को गौर करना है गाइस, क्योंकि इसको हम लोगों को बंद करना है। ये जो पार्ट है हम लोगों का इसीलिए दिया गया है कि अगर हम लोगों का रेड वाल्व अगर यहाँ से खोले, जैसे कि इस तरह से अगर खोले, तो इस जगह से हम लोगों का कहीं यार ना आएगा। लेकिन इस जगह हम लोगों का छेद हो चुकी है और यार आ रहा है, उसका कारण हम लोगों का बटर बटर कर रहा है और रेड वाल्व ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो इसका रीजन क्या है, इसको हम लोग सही कैसे करें? तो गाइस सही ये ठीक से नहीं होगा, बट हम कोशिश करेंगे इसको ठीक करने के लिए। तो गाइस हम लोगों का होता है फेविकुइट अट्ठा हम लोग यहाँ मारेंगे थोड़ा हल्का करके, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ज़्यादा करके देने से क्या होगा, ये पूरा चिपक जाएगा, तो हम लोगों को हल्का करके देना है, जिसमें कि यार मिस्कन को यार हवा को आने और जाने का रास्ता ना मिले, ठीक है। तो चलो थोड़ा सुखा लेता हूँ। तो सो गाइस मैंने अट्ठा दे दिया है और ये बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो चलो किस तरह से लगाए वो आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो सो गाइस अब हम चेकअप करेंगे जो हम लोगों का एसी पंप का रबार ठीक से लॉक कर पा रहा है कि नहीं हवा को। अब यहाँ देखिए जैसे कि हमने यहाँ लगाया, और अगर स्टार्ट करे और स्टार्ट गिर जाए या आरपीएम हम लोगों का जैसे कि ठीक से मेंटेन ना कर पाए, तो प्रॉब्लम है, फिर से हमको खोलना पड़ेगा या नया लगाना पड़ेगा। तो चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बाइक का आरपीएम भी सही है और जैसे कि हम लोगों का परफेक्ट है, ठीक है। अभी यहाँ देखिए कोई भी हम लोगों का मिश्रण नहीं है। अब यहाँ हम खोलता हूँ, देखो आरपीएम हम लोगों का स्टार्ट गिरेगा या आरपीएम धगड़ धगड़ करेगा, देखो स्टार्ट गिर गया, ठीक है। अब यहाँ हम लगाएंगे और बाइक हम लोगों का सही चलेगा। तो हम लोगों का यहाँ लीक नहीं हो रहा है। तो चलो बाकी का सिस्टम हमने देख, ये तो चेकअप कर लिया है, चलो बंद करते हैं। हम लोगों का वाल्व है, इसे फिट करेंगे। तो चलिए आपको तरीका बताते हैं, पहले जिस हाइस्टर था उसी हिसाब से लगाना पड़ेगा। कंपनी ने जिस हाइस्टर दिया था इसमें दाग रहता है, एक पार में दाग है एक पार में नहीं है। तो हम लोग लगाएंगे जैसे कि कंपनी जिस हिसाब से दे के रखा था उसी हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। तो गाइस इस स्क्रू को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइट मत दीजो, हल्का करके टाइट दीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती टाइट करेंगे तो ये स्क्रू प्याच कट जाएगा और क्या होगा, जो ठीक से हम लोगों का रेड वाल्व काम नहीं करेगा। तो आप लोगों को ज़्यादा ज़ोर से घींच के टाइट मत दीजिए, हल्का करके टाइट दीजिए बस, जिसमें कि टाइट होके रहा है। तो मैंने दे दिया है, अब क्या करेंगे, ये ओरिंग लगाएंगे गाइस, ठीक है। ओरिंग लगा दिया है, अब इस चीज़ को गौर करें, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई मैकेनिक इसे उल्टा लगा देता है, तो उल्टा लगाने से क्या होता है, हम लोगों का हवा जो है इसी हिसाब से नहीं आएगा। तो गाइस हम लोगों को लगाना है, जैसे कि यहाँ हम लोगों का छेद है तो इसको इस हिसाब से लगाना है, ठीक है। अब गाइस एसी पंप हम लोगों का बन गया है, लेकिन कुछ तरीका आप लोगों को बताता हूँ, कुछ प्रॉब्लम और भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। हम लोगों का एयर फिल्टर में लगा हुआ रहता है ए फाइव एयर फिल्टर में लगा हुआ रहता है, ठीक है, एयर फिल्टर में लगा हुआ रहता है गाइस। तो कभी कभी क्या होता है, एयर फिल्टर पे इंजन ऑयल चले जाते हैं। तो एयर फिल्टर में इंजन ऑयल जाने का रीज़न क्या है, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ देखिए पिस्टन जो हम लोगों का होता है, हम आपको अच्छी तरह से बताते हैं, जिसमें कि आप लोगों को पूरी समझ में आए और अच्छी तरह से आप लोग काम कर सके। पिस्टन में दिया गया है 1 2 3 4 छेद दिया गया है और 4 छेद इस साइड में दिया गया है। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों का ऑयल रिंग जैसे कि ख़राब हो जाता है, जैसे कि हम लोगों का गैप हो जाता है, उस वक़्त क्या होता है, इंजन ऑयल आने चालू हो जाता है। और इंजन ऑयल जब आते हैं इस छेद पे देखिए, तो क्या होता है, पोल्यूशन हम लोगों का बिगड़ जाता है सिस्टम।
पोल्यूशन देता है। तो कार्बन बैठने का बाद ऑटोमेटिक ये छेद हम लोगों का बंद हो जाता है। ये जो हम लोगों का छेद है ये हम लोगों का बंद हो जाता है। बंद होने का कारण क्या होता है, यार फिल्टर में हम लोगों का इंजन ऑयल चले जाता है। कभी कभी आप लोगों को देखने को मिलता है किसी बाइक में जो इंजन ऑयल क्यों जाता है। तो गाइस घबराने का कोई ज़रूरत नहीं, इंजन ऑयल वायर फिल्टर में जाने का रीज़न यही है। जो पिस्टन में हम लोगों का जो छेद है ये छेद हम लोगों का जैसे कि बंद हो जाता है, उसका कारण यही होता है जो एयर फिल्टर में इंजन ऑयल ऑटोमेटिक इंजन से चले जाते हैं। तो उसी टाइम आप लोगों को क्या करना है, बाइक का इंजन ऑयल चेक करना है, लेवल चेक करना है। लेवल अगर कम रहे तो आप लोगों को इंजन ऑयल डालने के बाद पॉल्यूशन चेक करना है। पॉल्यूशन आ रही है तो पिस्टन रिंग आप लोगों को चेंज करना है। जैसे कि बजट ज़्यादा रहे तो ब्लोक किट चेंज करना है, अगर कम रहे तो आप लोग स्टोन बोर करके भी लगा दे सकते हो। बट इसका साथ आप लोगों को वाल्व सील भी देना पड़ेगा। पॉल्यूशन का काम आप लोगों को अच्छी तरह से करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा गाइस। इंजन ऑयल जाना एयर फिल्टर पे बंद हो जाएगा। तो चलिए हम बाइक में फिटिंग करते हैं, फिटिंग करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलो बाइक का हम लोगों का जो पटाखा फूट रहा था वो पोजिशन ठीक हुआ है कि नहीं गाइस, ठीक है। पटाखा किस कारण से आ रहा था वो आप लोगों को दिखाएंगे, जब पटाखा हम लोगों का सही हुआ है कि नहीं। फिटिंग कर दिया, अब बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलो इग्निशन को ऑन करते हैं। तो पहले हम आर एस ग्रुप मिलाएंगे, चलो उस साइड चलो। सबसे पहले हम थोड़ा आरपीएम हाई करते हैं, करने के बाद आर एस ग्रुप को हम लोग मिश्रण करेंगे। थोड़ा आरपीएम ज़्यादा करते हैं, कम रहा है, हाई हो रहा है, हाई हो रहा है, हाई हो रहा है, हाई हो रहा है, कम हो गया है, थोड़ा टाइट करेंगे, बस बस। तो गाइस इसी जगह हम लोगों का आरपीएम बेहतर आया, क्योंकि माइलेज भी सेटिंग करना था तो मैंने माइलेज सेटिंग कर लिया। अब आरपीएम हम लोग इसको कमा देंगे गाइस। बस अब आप लोगों को पटाखा दिखा रहा हूँ, पटाखा आ रहा है कि नहीं। तो चलिए गाइस, तो गाइस अभी कोई भी पटाखा नहीं आ रहा है साइलेंसर से। और पहले आप लोगों को दिखाया था जो पटर पटर कर रहा था एक्सीलेटर छोड़ने के बाद, जैसे एक्सीलेटर दे रहा था रिटर्न करने बाद भुड़भुड़ भुड़भुड़ कर रहा था, पटाखा छोड़ रहा था। तो बाइक में अभी कोई भी पटाखा नहीं है। और इंजन का जो हम लोगों का आरपीएम है वो भी अभी जैसे कि आपको स्टार्ट है अभी बाइक, और आप लोग साउंड देखो अभी जैसे कि स्टार्ट बंद है। मैं आरपीएम खुलवाता हूँ, इतना अच्छा हम लोगों का आरपीएम आया क्योंकि एसी पंप हम लोगों का रबार ख़राब हो गया था और रबार को हमने सही किया और एसी पंप बिल्कुल हम लोगों का सही हो गया और साइलेंसर में हम लोगों का फटर फटर भी बंद हो गया। तो एसी पंप देने का रीज़न आप लोगों ने देखा इंजन में क्या कितना परिवर्तन आता है, इंजन को ओवर हीट होने से बचाता है, पोल्यूशन बचाता है। पोल्यूशन अगर ज़्यादा आ जाता है तो हम लोगों को महसूस कराता है तो इंजन ख़राब हो गया, उसको ठीक करो। तो गाइस यही था वीडियो। तो सो गाइस आप लोगों ने क्या देखा, बाइक में एसी पंप देने का कारण क्या है, इंजन परफॉर्मेंस हम लोगों का बेहतर हो जाता है, बेहतर आरपीएम आता है, बेहतर माइलेज आता है। तो गाइस एसी पंप हम लोगों को हमेशा ठीक करना है। मैकेनिक क्या करते हैं, इंजन तो बना देते हैं, बनाने के बाद एसी पंप को खोल के देखते नहीं है, एसी पंप के अंदर रबार ठीक है या हम लोगों का वाल्व ब्लॉक हो जाता है। तो आप लोगों को मैंने बताया इंजन जब भी आप लोग करो, करने का बाद एसी पंप को आप लोग को क्लियर करके वॉश करके फिटिंग करो और चेकअप करो, जिसका लिंक हम लोग का एग्जस्ट से जो आता है वो लिंक सही है कि नहीं, सब लिंक को सही करना है और उसके बाद फिट करना कस्टमर को बाइक को देना है, तब जाके वो इंजन हम लोगों का ज़्यादा दिन जाएगा और इंजन का परफॉर्मेंस भी अच्छा आएगा। तो गाइस यही था हमारा वीडियो बनाने का मकसद, जिसमें कि आप लोगों को अच्छी तरह से पता हो
जो एसी पंप क्या है, इंजन क्या है। तो गाइस यही था वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर भाई गुरु यूट्यूब चैनल का साथ।